सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम 12.4 एक्सरसाइज करेंगे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.4, जिसमें हम सीखेंगे रूल्स फॉर नंबर पैटर्न्स। बच्चों, आप सभी जानते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हैं रूल्स को लिखने के लिए, और रूल्स को हम यूज़ करते हैं नंबर पैटर्न फाइंड आउट करने में। जैसे हमारे पास एक पैटर्न है, मैं लिख रही हूँ 1, 4, 9, 16, 25। आई होप आपको पैटर्न पहचान में आ गया होगा। दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, मुझे ये फर्स्ट वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से व्हेन आई पुट n इज इक्वल टू 2, आई विल गेट द सेकेंड वैल्यू। द जनरल रूल इज n स्क्वायर। n की प्लेस में अगर मैं 5 पुट करूँगी, देन दिस विल बी 5 स्क्वायर, मुझे ये वाली वैल्यू देगा। दिस इज फॉर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, एंड व्हेन n इज इक्वल टू 5। ऐसे ही n अगर 100 है तो मुझे 100 का स्क्वायर पता चल जाएगा, एंड व्हेन n इज इक्वल टू 143, मुझे 143 का स्क्वायर पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को नंबर पैटर्न के रूल्स लिखने में यूज करते हैं। आइए एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। एक्सरसाइज 12.4, क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स। बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये डिजिट 6 बना है, इसके लिए हमने स्टिक्स यूज की हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर 6 स्टिक्स यूज हुई हैं। इसी तरीके से 2 6 लिखने के लिए नंबर ऑफ स्टिक्स यूज आर, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो यहाँ पर 11 लिखा है। दीज आर 3 6, और 3 6 के लिए 16 स्टिक्स यूज हुई हैं। इसी तरीके से 4 6 के लिए 21, और n 6 के लिए 5n+1। हियर 5n+1 इज द जनरल रूल टू फाइंड नंबर ऑफ स्टिक्स यूज फॉर नंबर ऑफ सिक्सेस। हमें जितने 6 चाहिए डैट रिप्रेजेंट्स n, और n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए कितने स्टिक्स चाहिए डैट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस रूल। I hope this is clear. Now the question is, if the number of digits formed is taken to be n, अगर number of digits formed हमने n लिया है, then how many, that is the number of segments required to form n digits is given by the algebraic expression. ये algebraic expression हमें बताता है कितने sticks use होंगे. So now question is, how many segments are required to form 5, 10 and 100 digits of the kind? Kinds are, हमें 6 बनाने के लिए कितने स्टिक्स लगेंगे? अगर हमें 5 6 बनाने हैं, 10 6 बनाने हैं और 100 6 बनाने हैं। इसी तरीके से अगर हम 4 बनाना चाहते हैं तो 5 4s बनाने के लिए, 10 4s बनाने के लिए एंड 100 4s बनाने के लिए कितने स्टिक्स यूज़ होंगी। इसी तरीके से 8 के लिए भी, अगर हमें 5 8s बनाने हैं, हमें 10 8s बनाने हैं या 100 8s बनाने हैं तो कितने स्टिक्स यूज़ होंगी। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले 6 के लिए, 6 के लिए जनरल रूल है 5n+1। हमें बताना है 5 6 बनाने के लिए कितने लाइन सेगमेंट्स यूज होंगे। सो द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 डिजिट्स इज, हमें ऐसे 5 डिजिट्स को अगर साथ साथ अरेंज करना है तो कितने सेगमेंट्स यूज होंगे। फॉर डैट वी विल पुट n इज इक्वल टू 5। व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 5, द एक्सप्रेशन 5n+1, जो कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टिक्स रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू आएगी 5 × 5+1। दिस गिव्स मी 26। सो 26 सेगमेंट्स की जरूरत होगी अगर हमें 5 6 बनाने हैं, 5 डिजिट्स लिखनी है इस तरीके के 6। यहाँ पे 3 हैं, और इसके आगे हमें अगर 2 6 और बनाने हों इस तरीके से, तो हमें कितनी स्टिक्स की जरूरत होगी, डैट इज 26। Now the second question is, how many segments are required to form such 10 digits? When n is equal to 10, then the value of this expression 5n+1, this equals 5 × 10+1. 5 × 10 is 50, and 50 + 1 is 51. So we need 51 segments, 51 sticks will be required to make 10 such digits of 6. Now for n is equal to 100.
अगर हमें ऐसी 100 डिजिट्स बनानी है तो कितने स्टिक्स यूज होंगे? दिस विल बी 5n+1, इसमें हम n की प्लेस में 100 पुट करेंगे. सो 5 × 100+1, दिस इक्वल्स 501. आई होप बच्चों ये समझ में आया है. नाउ नेक्स्ट डिजिट यूज करते हैं. नाउ दिस इज 4. अब हमें बताना है हाउ मैनी सेगमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 डिजिट्स ऑफ दिस काइंड. ऐसे 5 डिजिट्स लिखने के लिए हमें कितने स्टिक्स की जरूरत होगी? तो आइए करते हैं. व्हेन n इज इक्वल टू 5, अगर हमें 5n चाहिए, 5 ऐसे 4 डिजिट्स को कंबाइन करना है तो कितने लाइन सेगमेंट्स लगेंगे? इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, इट इज 3n+1. सो 3n+1, इसमें हमें n की प्लेस में 5 पुट करना है. सो दिस इक्वल्स 3 × 5+1, दिस गिव्स मी 16. सो 16 सेगमेंट्स की जरूरत होगी व्हेन वी नीड 5 सच डिजिट्स. नाउ नेक्स्ट, व्हेन n इज इक्वल टू 10, अगर हमें ऐसे 10 डिजिट साथ साथ लिखने हैं तब कितने सेगमेंट्स की जरूरत होगी? अगेन हम यही जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, 3n+1. आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 1, 4 बनाने के लिए 1, 2, 3 और 4 की जरूरत हुई थी, सो यहाँ पर 4 लिखा था. इट मीन्स n की प्लेस में अगर हम 1 पुट करें, सो दिस विल बी 3 × 1+1, डेट इज 4. इसी तरीके से 2, 4 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 की आवश्यकता हुई थी. यहाँ पर अगर हम 2 लिखें 3 × 2+1, तो वो 7 ही आता है. इसी तरीके से 10 के लिए निकाल रहे हैं, n की प्लेस में 10 पुट करेंगे, 3 × 10+1, दिस गिव्स मी 31. सो 31 सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 10 डिजिट्स ऑफ 4. इसी तरीके से 100 डिजिट्स के लिए हमें निकालना है, व्हेन n इज इक्वल टू 100, n की प्लेस में 100 पुट करना है. दिस विल बी 3n+1 इक्वल्स 3 × n की प्लेस में 100 पुट कर देंगे, प्लस 1 करेंगे, 300+1, दिस इज 301. सो 301 सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 डिजिट्स ऑफ 4. आइए इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं. दिस इज 8. 8 बनाने के लिए कितने स्टिक्स की जरूरत होती है? आप यहाँ पे काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 स्टिक्स चाहिए अगर हमें ऐसी एक यूनिट बनानी है. यहाँ पर n की प्लेस में अगर हम 1 पुट करते हैं, 5 × 1+2, तो ये 7 ही आता है. इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 स्टिक्स की जरूरत होती है अगर हमें ऐसी 2 डिजिट्स बनानी है. इट मीन्स अगर n की प्लेस में 2 पुट करेंगे, सो 5 × 2+2, ये भी 12 आता है. सो n की प्लेस में हमें अब 5 के लिए निकालना है कि हमें 5 डिजिट्स ऑफ 8 बनाने के लिए कितने स्टिक्स की जरूरत होगी. सो व्हेन n इज इक्वल टू 5, 5n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, इसमें n की प्लेस में हम 5 पुट करेंगे. सो 5 × 5+2, दिस इक्वल्स 25+2, डेट इज 27. सो 27 स्टिक्स, 27 सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 यूनिट्स ऑफ 8. इसी तरीके से फॉर 10 यूनिट्स, व्हेन n इज इक्वल टू 10, दिस इज 5n+2, दिस इक्वल्स 5 × 10+2. सो ये आ जाएगा 52. आई होप ये भी समझ में आया है. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 100, 100 यूनिट्स के लिए हम निकालेंगे 5n+2. सो दिस इक्वल्स 5 × 100+2, दिस इक्वल्स 502. सो 502 सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 डिजिट्स ऑफ 8. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. यूज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स. बच्चों यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं, फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकेंड इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ये डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. और थर्ड कॉलम इज ऑफ टर्म्स, यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं. दिस इज फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से कंटिन्यू करते करते 10th टर्म एंड देन 100 टर्म. अब इसमें हमें हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए इस टेबल को कंप्लीट करना है. आइए करते हैं. फर्स्ट, ये मैंने पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है 2n-1. सो फर्स्ट टर्म के लिए व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी 2 × 1-1,
एंड दिस इक्वल्स 1, सो यहाँ पर 1 आया। इसी तरीके से n के प्लेस में अगर हम 2 पुट करते हैं, सो 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 माइनस 1 इज 3, इसीलिए यहाँ पर 3 आया। नेक्स्ट अगर हम 3 पुट करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 1, सो 6 माइनस 1, यहाँ पर 5 आया। इस तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अब हमें 100th प्लेस पे क्या आएगा ये बताना है, सो उसके लिए हम n के प्लेस में 100 पुट करेंगे। एक्सप्रेशन इज 2n माइनस 1 और n के प्लेस में अगर 100 पुट करते हैं, सो 2 इंटू 100 माइनस 1, और 100 माइनस 1 करने पर ये आ जाएगा 199। सो यहाँ पर आएगा दिस एक्सप्रेशन विल बी 199। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट 2, दिस इज 3n माइनस 2। बच्चों दिस इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को यूज कर हमको बताना है यहाँ पर 10th प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी और यहाँ पर 100th प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए इट इज़ 5, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2, दिस इज 5, दिस इज द रूल। इसी तरह से फॉर सेकेंड टर्म n के प्लेस में 2 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, सो 6 प्लस 2 8, यहाँ पे भी 8 ही है। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू के लिए 11 आना चाहिए, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज 9 प्लस 2, ये भी 11 आता है। सो इसी तरीके से हमें अभी फिफ्थ टर्म का बताना है, दिस वन फिफ्थ टर्म पे क्या आएगा। सो व्हेन n इज इक्वल टू 5, दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2, सो 15 प्लस 2 डेट इज 17, सो यहाँ पर आएगा 17, यहाँ पर हम 17 लिख देंगे। इसी तरीके से टेंथ टर्म का हमें बताना है, एक्सप्रेशन लिखते हैं, दिस इज 3n प्लस 2, इसमें वैल्यू पुट करना है, n की प्लेस में हमें 10 पुट करना है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2, दिस गिव्स मी 32, सो यहाँ पर आएगा 32। इसी तरीके से 100th प्लेस का निकालने के लिए 3n प्लस 2 सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n की प्लेस में अब हमें 100 पुट करना है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2, दिस गिव्स मी 302, सो यहाँ पर आएगा 302। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3, यहाँ पर एक्सप्रेशन है 4n प्लस 1। अब इसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज चेक करनी है। सबसे पहले चेक करते हैं फॉर फर्स्ट टर्म, अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो 5 आना चाहिए, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, दिस इक्वल्स 5। देन सेकेंड टर्म के लिए हम n के प्लेस में 2 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8, 8 प्लस 1 9, सो यहाँ पर 9 आता है। सेम वे में इसे कंटिन्यू करते हुए हमें फिफ्थ टर्म का बताना है, टेंथ टर्म का बताना है और 100th टर्म का बताना है। सो n के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 5, जब n के प्लेस में हम 5 पुट करेंगे, देन 4n प्लस 1, दिस विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1, डेट इज 21, सो यहाँ पर फिफ्थ टर्म में इधर 21 आ जाएगा। नेक्स्ट वी विल पुट n इज इक्वल टू 10, 10 पुट करेंगे, देन 4n प्लस 1, दिस इक्वल्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1 एंड दिस इक्वल्स 41। आई होप ये भी समझ में आया है, सो यहाँ पर 41 आ जाएगा। एंड फॉर 100 वी विल पुट n इज इक्वल टू 100, n की प्लेस में 100 पुट करेंगे, दिस विल बी 4n प्लस 1, डेट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज 400, सो दिस इज 401, सो यहाँ पर आ जाएगा 401। आई होप बच्चों दिस इज क्लियर। व्हेन n इज इक्वल टू 5 वी गेट 21, व्हेन n इज इक्वल टू 10 दिस इज 41, एंड व्हेन n इज इक्वल टू 100 दिस इज 401। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में भी हमें पहले चेक करना है, दिस इज द जनरल रूल एक्सप्रेशन, जिसमें हमें n के डिफरेंट वैल्यूज चेक करनी है। सबसे पहले When n is equal to 1, n अगर 1 आता है तो ये 27 होना चाहिए, सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 20, यस ये 27 आता है। इसी तरीके से सेकेंड वैल्यू के लिए चेक करेंगे, When n is equal to 2, सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 20, 14 प्लस 20 दिस इज 34, सो यहाँ पर भी 34 ही है। अब हमें फिफ्थ टर्म के लिए, टेंथ टर्म के लिए एंड 100th टर्म के लिए ये वैल्यूज निकालनी है। आइए पुट करते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 5, जनरल रूल लिखेंगे, दिस इज 7n प्लस 20 और इसमें n की प्लेस में 5 पुट करेंगे,
7 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 20, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 35, 35 प्लस 20 इज 55. सो यहाँ पर 55 आएगा, दिस विल बी 55. सिमिलरली 10th के लिए निकालेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 10, 10th टर्म फॉर्मूला इज 7n प्लस 20, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई, n की प्लेस में 10 लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 20, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 70, एंड 70 प्लस 20 इज 90. सो यहाँ पर इस कॉलम में आ जाएगा 90. इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू इज 100, सो n इज इक्वल टू 100 पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन 7n प्लस 20, इसमें 7 मल्टीप्लाइड बाई n की प्लेस में 100 प्लस 20, सो 720. आई होप बच्चों ये भी समझ में आया है, यहाँ पर 720 आ जाएगा. सो वी गेट थ्री वैल्यूज, व्हेन n इज इक्वल टू 5 इट इज 55, व्हेन n इज इक्वल टू 10 दिस इज 90, एंड व्हेन n इज इक्वल टू 100 दिस इज 720. आइए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5. यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज n प्लस 2. इस एक्सप्रेशन के लिए हमें फिफ्थ टर्म की वैल्यू चाहिए, 10th टर्म की कैलकुलेट करनी है, 100th टर्म की हमें ऑलरेडी गिवन है. आइए इसको वेरीफाई करते हैं. सबसे पहले दिस इज द फॉर्मूला n स्क्वायर प्लस 1. फॉर फर्स्ट टर्म हम n की प्लेस में 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 दिस इज 2, सो यहाँ पर 2 आया. फॉर सेकेंड टर्म, सो दिस इक्वल्स 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 दिस इज 5, सो यहाँ पर 5 आया सेकेंड टर्म. फॉर थर्ड टर्म चेक करेंगे, दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर इज 9, एंड 9 प्लस 1 इज 10, सो यहाँ पर 10 आया. इसी तरीके से हम निकालेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 5. व्हेन n इज इक्वल टू 5, n स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है, सो दिस इक्वल्स 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर इज 25, एंड 25 प्लस 1 इज 26, सो यहाँ पर आएगा 26. इसी तरीके से व्हेन n इज इक्वल टू 10, n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 स्क्वायर इज 100, एंड 100 प्लस 1 इज 101, सो दिस वैल्यू इज 101. लास्ट वैल्यू चेक करेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 100, n की प्लेस में 100 पुट करेंगे, देन n स्क्वायर प्लस 1 दिस विल बी 100 स्क्वायर प्लस 1, 100 स्क्वायर इज 10,000, सो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, प्लस 1 दैट इज 10,001, द सेम वैल्यू. सो द वैल्यू व्हेन n इज इक्वल टू 5 इज 26, एंड व्हेन n इज इक्वल टू 10 इज 101. आई होप बच्चों ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ गई होगी. इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ. थैंक यू बच्चों.